साला फगौली के चप्पल ठीक नहीं होता, बार बार देखिए फिरते निकल रहा है। जी वंडर कार से चार बहुत चार खरीदने के लिए थे भाई साहब। हम लोग वंडर चाचा। ए चाचा, ए चाचा, ए दाढ़ी वाले चाचा। सुमन जी मैं चचा लगता हूँ क्या? नहीं भाई साहब, मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसे देखकर मैं आपको आपका चचा लग रहा हूँ? अरे कहाँ से आए आप लोग? चितला जी छोड़िए ना, कहाँ चचा में अटके पड़े हुए हैं। हम सास बहु अचार प्राइवेट लिमिटेड से आए जी। अच्छा, तो ये आप सास हैं? दाढ़ी वाले सास? नहीं नहीं जी, ये शुक्ला जी है। हमारा कंपनी है ना वंडर अचार, उसमें हमारे साथ है शुक्ला जी। शुक्ला जी कंपनी के मालिक हैं? नहीं, मालिक मालिक हम हैं, संस्थापक तो हम हैं, ये हमारे साथ हैं। अच्छा, सारा काम आप करती हैं और सास ये लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, इसे मतलब अपने गांव में प्रधान कौन है? मंजू देवी, लेकिन गांव का सारा काम कौन करता है? प्रधान जी। प्रधान जी ब्रजभूषण दुबे। वही हाल यहाँ पे, ये हुए मंजू देवी, ये हुए ब्रजभूषण दुबे। नहीं नहीं, हम समझ रहे, बैठिए ना जी। जी अब सुनिए, हम बहुत दूर से आए हैं, हमारा अचार काफी चटपटा है, चक्के देखिए ना कितना का है। अरे अचार का बोतल तो विकासा को दीजिए, एक साल पहले ही शादी हुई है, कभी भी अचार की जरूरत पड़ सकती है। कारे? अच्छा हम लोग कुछ ऐसा सोचे नहीं, ऐसा कुछ प्लान नहीं है अभी हमारा। हमने बताया तुमने क्यों? तो दो तीन बार कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। क्या है? अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ, फैमिली पैक ले लीजिए, अगर आएगी खाने में खटास तो होगा मियाँ बीवी के बीच में मिठास। मसलील है आप। महिला के साथ मर्यादा रखिए, अंड बंड ठंड पता नहीं क्या बोल रहे हैं। अरे आप लीजिए ना, यहाँ चार आप रख लीजिए, हमको नहीं चाहिए। अरे आप बुरा मत। नहीं नहीं नहीं, हमारे गांव में बहुत सारा गाछी है आम का, वहाँ से हम पसेरी पसेरी आम ले आते हैं मुफ्त में, रख लीजिए आप। अरे आप एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? क्या है? अरे बताइए ना। विकास। विकास जी, जो चीज आम होती है ना वो मुफ्त में मिलती है, हम स्वाद के पैसे लगा रहे हैं, जो खास है। अच्छा विकास, तो पराठा मंगवाओ, सही कह रही है। ए टारजन, तुको पराठा। क्या नाम बोले? टारजन महतो। टारजन कैसा लगा? एकदम A1 पराठा ना? अचार भी ठीक है। और अचार कैसा लगा आप लोगों को? अचार आपका बढ़िया है, पर गांव में बिकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग के बेचने तरीका ही गलत है। नहीं नहीं नहीं, इनका मतलब है कि आप रहने दीजिए थोड़ी। देखिए मैडम, ये जो दिखता है सो बिकता है, अब इसमें क्या दिख रहा है? ये आम कटहर बरहर रम तुरई। अरे कोई ऐश्वर्या राय सुष्मिता सेन का फोटो लगाइए तब ना बिकेगा, हम खुद दो तीन डब्बा खरीद लेंगे। देखिए ये देख लीजिए, मार्केटिंग का जलवा। रखिए इसको। हाँ आप लोग सही कह रहे हैं, मार्केटिंग ज़रूरी है, तो इसीलिए हमने सुष्मिता सेन जी से बात करके रखी हुई है, वो परसों आ रही हैं और दरियागंज में हमारा फोटोशूट है, स्टूडियो कैमरा वगैरह सब हमने। देख रहा है विकास, अचार बेचने के चक्कर में कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है। सुष्मिता जी गई लंदन, यह देखो खुदा न्यूज में दिखा दिया गया महाराज। देखिए आपको खरीदना कि नहीं खरीदना है, सुबह से एक भी अचार नहीं बिका है हमारा। वही तो बता रहे हैं कि आप फुलेरा गांव में आके आम का अचार बेच रही हैं, फुलेरा में आके लौकी का अचार नहीं बेच रही हैं, यही तो है? फुलेरा में लौकी का? हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं, सुमन जी लौकी कटहल आंवला सबका अचार बनाती हैं, तो पाइपलाइन में सब है, धीरे धीरे सब लॉन्च होगा प्रोडक्ट। ये जो प्लान है आपका बढ़िया प्लान है, आप रहने दीजिए, आप चलिए हमारे साथ हमारे गांव, प्रधान जी के खेत में बहुत बढ़िया बढ़िया लौकी होता है, आपको हम डिस्काउंट में दिलवा देंगे। अरे हम यहाँ खरीदने नहीं आए, बेचने आए हैं, आपको क्या लगता है आप नहीं खरीदेंगे तो कोई नहीं खरीदेगा हमारा अचार? छोड़िए चलिए। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे भाई भाई तो आपको बेचने का बता रहे हैं, यहाँ से जाइए फकौली बाजार। हाँ क्या चीज़? फकौली बाजार भाई, मार्केट है यहाँ पे 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ एक डांसर डांस करती है पैरासिटामॉल गाने पे, वही को ले लीजिए आप अपना प्रमोटर,
उसके हाथ से ना जहर भी वो बेचेगी ना तो लोग खाएंगे खुशी खुशी। सच बता विनोदवा कितना पैसा खर्चा करता है बताओ। विनोद भूषण भूषण अब क्या है कि बिजनेस का बिजनेस हो जाएगा मार्केटिंग मार्केटिंग हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं एकदम सही बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं हाँ हाँ हम लोग को यहाँ पे नाच देखने थोड़ी आए हैं हम लोग यहाँ अचार बेचने भी आए हैं मतलब सिर्फ अचार बेचने आए हैं। शुक्ला जी वो कौन सा बजा रहे हैं फोकाली फोकाली हाँ हाँ वहाँ पे तो होटल और ठेके हैं ना वहाँ पे ठेका तो है हाँ तो शुक्ला जी वो बाजार जाके ठेके पे बेच लेंगे चलिए ठेके पे हाँ हाँ अरे शुक्ला जी आपको याद नहीं है वो हमारे पुराने कस्टमर थे ना शर्मा जी वो क्या कहते थे कि उनके बाएं कंधे पे फोड़ा हो गया वो तो कहते थे लेकिन एक और बात तो कहते थे ना वो शराब पीते वक्त चखने में चाहे मसाला पापड़ हो या फिर मठरी हो या फिर कोई और चीज़ हो लेकिन वंडर अचार के साथ चखना खाने का मजा ही कुछ और है। वहाँ पे जाके हम ठेके में बेच देंगे बड़ा बिकेगा चलिए चलिए। आप सही बता रहे कि ये मटरी के साथ आपका अचार खाने में स्वादिष्ट आता है। हर लोग उंगलियाँ चाटते हैं लेकिन छोड़िए ना आपको नहीं चाहिए ना छोड़िए चलिए। अरे नहीं एक काम करिए हमको दो दो बोतल नहीं एक हमको तो अच्छा तीन बोतल दे दीजिए एक संजू को भी दे दीजिए दे दीजिए हमको तीन तीन बोतल दे दीजिए। शुक्ला जी कितने कितने का है ये 100 का एक है वैसे आपको कितना लगाएंगे हम तो इसका 75 से ज़्यादा नहीं देंगे। देखिए घाटा हो जाएगा 100 का है आप 75 कह रहे हैं बीच का कर लेते हैं ना आपका ना हमारा 98 में फाइनल करते हैं। हाँ जी चलिए हैं ये लीजिए हाँ जी हे 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 इसमें तो नहीं कम है नहीं नहीं दूसरा दे दूसरा दे देते हैं दूसरा दे देते हैं। शुक्ला जी बहुत तेज आदमी है बाप रे 6 रुपए दीजिए। हाँ दे रहे दे रहे दे रहे दे रहे दे रहे अरे वो दे देंगे आपको ऐसे नहीं जाएंगे नहीं नहीं चलिए जी हैं सुमन जी ये जो आपका अचार है ना बंडर न करके इसका नाम रख दीजिए बवंडर अचार। अच्छा बंडर के बजाय बवंडर सोचेंगे हम है ना। कहा था ना सुमन जी गांव में आराम से बिक जाएगा। हाँ ये भी कहा था कि आपकी बहुत इज्जत करते आपको तो चचा बुला रहे थे सफेद दाढ़ी चलिए। बहुत चतुर आदमी है सस्ते में ले लिए पैसा कम करा दिया।